प्रणाम डॉक्टर जफर इकबाल साहब, आप जफरुल्ला खान साहब, जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, ख्वातीनों हजरात, आज बहुत सी बातें जो हुई हैं उनमें इतनी सैर हासिल ये बहस हो गई है कि अब किसी बात पे भी कोई बात करने की रह नहीं गई। लेकिन मैं एक दो लड़ियां चुनूंगा और आपको ये अर्ज करूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हम सब जिम्मेदार हैं ये मकरूज होना। किस तरह जिम्मेदार है? मेरा बावर्ची जा मेरे घर में तीन डिशें मेरे सामने रख देता है, तो मैं उसको कहता हूँ ये तीन की रखने की क्या जरूरत है, तुम्हें एक लाया। अगर मैं अकेला ही हूं और कोई नहीं घर में, तो मैंने उसको सख्ती से हिदायत की हुई है कि मेरे लिए एक से ज्यादा ठिकाना नहीं पकाना, तो सब्जी हो, गोश्त हो, दाल हो। इसकी मैं आपको वजह बताऊं, हमारे यहां मुरगन और बड़ी इकसाम की मुख्तलिफ अनवा खाने सिर्फ दस्तरखान ले लें, दस्तरखान पे बैठ कर वो सजा के तमाम तश्तरियों में, और तरगीब भी हमें आप देखें कितने घी के या कुकिंग ऑयल के तेल के इश्तहार आते हैं, वो खत्म ही नहीं होते, या साबुन या तेल। अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस तरह नहीं आया कि यहाँ इंडस्ट्री लग रही होती, या गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रक, रेलवे इंजन, ये वो सब कुछ यहाँ सिर्फ पेचकस के असेंबली ना हो रही होती, उनका अपना पूरा जसद जो है, पूरा इंजन जो है, वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा होता। पर हमारे यहाँ जो गाड़ियों की प्लांट्स है वो सिर्फ हमारे हमने पेश दे दी, वो सारा वो गाड़ी आ जाती है प्लेटफॉर्म में और हमने उसके पेज उतार के पेज के दिया टाइट करके और वो टोयोटा करोला निकल आती है और जो भी और गाड़ियाँ हमारे पास, कोई इतनी दौलत कमाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा फायदा वो ही कमाने के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट, हमारे पास कोई ऐसी जिंस नहीं है, कोई ऐसी जिसको हम बेच सके। हमारे तो चाहिए था यहां से एक्सपोर्ट होती गाड़ियां, 75 साल हो गए एक कॉम को, यहां से मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट हो गया होता, मोटरसाइकिल भी आपके आपने सिर्फ पेंट दे दिया होती, टाइट करनी है और वो पार्ट्स में आ जाते हैं और वो किक्स में आते हैं और उनमें आप। अब ये चीज हमारे यहां बड़ी शिद्दत से, मैं समझता हूँ ये एक बात है सुनने सोचने की बात। 1947 में 13 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 में क्या हुआ? पाकिस्तान आजाद हुआ, हम क्या फर्क ले गया? अंग्रेज के जो मुकासिब थे, अंग्रेज की जो हुकूमत थी वो बैरूनी दुनिया से हम पे हुकूमत करते थे, उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद ये थे अंग्रेज की हुकूमत थी और बजा तौर पर उन्होंने अपने मुफाद में सोचना था, वो ये थे कि पहला कि खाम माल बड़े सगीर से मैनचेस्टर ले जाओ, लैंकशायर ले जाओ, वहां फैक्ट्रियां मिलने उन कुपास की गांठों को
वो सिर्फ कुपास रॉ कुपास बनी बेल उनको सिर्फ कुपास को निकाल के और वो बनाए उससे कपड़ा बनाए। अब जब कपड़ा बना ले तो वो कपड़ा वापस बड़े शरीर आए और मसाबत थी यानी मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग पर बेचा जाए। अब अंग्रेज को तो बड़ा मैनचेस्टर में लिवरपूल में शेफील्ड में जॉब से जॉब से कर रही है और वहां का जो कॉटन ट्रेड का इदारा है वो इतने मालदार हो वो सारे सारी सारी दौलत उधर चली जाए। जॉब का मुलाकात है नौकरी बड़े शरीर जो के कुपास का एक बहुत बड़ा पैदावार दुनिया में आगे था कुपास की पर ये मिस्र जरा करता एक कंपटीटर था एक जनूबी अफ्रीका में ही तो जजाए वरना जो कुपास यहाँ लगती थी वो कुपास ये सारे दरियाए सिंध और दरियाए गंगा जमुना में बंगाल में ऐसी ऐसी वो ऐसा इतने बारीक धागे से कपड़ा बुना जाता था वो एक उंगली से एक अंगूठी के जरिए सारा थान गुजर जाता था और थान को आप अंगूठी में भी ले सकते इतनी उसकी मशहूर थी। अब वो ही बड़े सके फाको मार रहा 1940 में वो ये 200 साल से अंग्रेज की हुकूमत है पर 1940 में कहता रहा है बंगाल में बहुत बड़ा क्या ये इसी तरह है ना। अब वो अंग्रेज के दिन में ही लगेगा वो कह आजकल लोग कहते हैं कि जी सैलाब आ गया सारा पंजाब डूब गया सारा पंजाब जनूबी पंजाब ये डूब गया पहाड़ी नाले भी आ गए बारिश भी आ गई सैलाब भी आ गया और ये रो रहे होते चीफ मिनिस्टर साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब भाई आप 40 साल इस खिते पे ये पंजाब पे आपने हुकूमत की है कोई आपने नहीं सोचा कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ही कर दे लेकिन ये इनको नहीं रहता है इनके जेब में होती है जो जमीन के ऊपर बन सके वो बनाओ प्रोजेक्ट ताकि सारे देखेंगे वो मोटरवे जा रही है जो जमीन के नीचे है ड्रेनेज वो बनाने का क्या फायदा सीवर लगाने का क्या फायदा डालने का इसमें जो ऊपर होगा उसमें कमीशन भी बड़ी है और ये नीचे वाला प्रोजेक्ट जो नजर ही ना आए उसकी हमें जरूरत नहीं। लेकिन अंग्रेज का ये तरीका था कि तिजारत उधर से माल जाए इधर से माल सदन मस्तुआ माल वापस आए। अब 13 अगस्त 1947 के बाद आज तक हमने ये बदला हम जाके कहते हैं कि जी फौरन का माल दिखाओ वो दिखा रहे थे दुकानदार को उन्हें फौरन का माल दिखाओ वो ही हमारी अभी तक हम उसी में चकरे हैं कि फौरन का माल खरीदना ये बड़ा बेहतर मंत्र है। अच्छा और जो अपना माल है वो अर्जा बेचना है। अब हम क्या करते हैं हम यहां तक उतर आए नीचे हो गए कि हम वैल्यू एडिशन इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन कोई करते ही यहां तक कि हम अपने नौजवान अनस्किल कोई उनको स्किल नहीं देते कोई उनको महारत नहीं देते उनको इस बात पे बड़े भेद कि अपना गोश्त अपना मसल अपनी हड्डियां उनको भेज रहे हैं जाओ अबू धाबी दुबई और अरब ममालिक में वहां टॉयलेट में पोछा फिर। अब ये हम इसमें कि खाम माल हमारा बाहर जा रहा है यहां तक हम बदकिस्मत कौम है जो भाई उनको डॉक्टर बनाओ उनको इंजीनियर बनाओ ये सारे तुम्हारे 30 कुछ 2-3 करोड़ हैं जो इधर अरबों अरबी दुनिया में जो यूरोप में
धक्के खाते फिरते हैं, इलीगली पहुंचते हैं, कहते हैं यहां से भागो, मौत आती है तो यहां से भागो। अब ये चीज जब डेस्परेट हो जाए इंसान और ये करे, इसको हमने बदला नहीं अंग्रेज के निजाम को, उसको बढ़ाया और अपना काम बात भी हमने बिकाऊ कर दिया, बजाय ये कि उसमें वैल्यू एडिशन की जाए उस बच्चे में, उस नौजवान में, उस बेटी में, और उनको सलाहियतें दे और फिर वो दुनिया को बाहर देखे तो दुनिया उनको बुला रही है। दूसरा, अंग्रेज ने ब्यूरोक्रेसी रखी हुई थी ये आमदन खींचने से, ज्यादातर जागीरदार थे उनसे अभियाना मालिया, ये सारा पटवारी सिस्टम, कानूनो सिस्टम, ये रेवेन्यू सिस्टम, ये डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर का सिस्टम, ये सारा रखा हुआ था कि किस तरह यहाँ के मकामी शहरी की जेब खाली की जाए, पुलिस थी कि यहाँ अमन अमान रखा जाए, फौज थी कि यहाँ अमन अमान रखा जाए, फौज को बर्तरी दी गई, और पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में अंग्रेज की सारी जंग जो डिफरेंस था जर्मनी में और हिंदुस्तान में, वो हम थे, हमारे नौजवान 19 रुपए तनख्वाह मिलती थी बर्मा के जंगलों में, इतना बड़ा मच्छर होता था, और हमारा नौजवान बंदूक लेके राइफल लेके 303 कांपता कांपता मलेरिया भी हो गया, पर वहां से नहीं हटता था, क्योंकि उन पहले 11 पहली जंग में और 19 दूसरी जंग में, उन 11 रुपए से 19 रुपए से उसके घर में चकवाल में दिया जा रहा था, वो नहीं छोड़ता था, उन मुलाजमत मर जाता था। हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, हम भेजे जाओ बच्चे, मर जाऊंगा रास्ते में, कहते जा 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 तेरे पैसे जमा करा के वीजा भेजते नहीं है जो ट्रैवल और चाहिए, तू जा दुआएं देती मां दे। किस अंदाज से हम इसको मैं बड़ा प्रखर समझते हैं कि वो इटली उतर के आई, इटली बस वहां गए। अब ये चीज हमारी अपने सबसे बड़े असासे को अंग्रेज ने ये फूट आ दिया, क्या हमने बदला कुछ? बिल्कुल नहीं बदला, हम उसको एग्रवेट करते गए, उसको ज्यादा से ज्यादा संगीन करते गए, और आज हम अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर पोछे देने के लिए टॉयलेट गैर मुल्कियों के, और बड़े खुश हैं। कर्ज पीते थे मैं और जी में कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, वो रंग ला रही है, और रंग किस तरह ला रही है कि आप पे इतना भारी कर्जा है, जिस तरह खोसा साहब ने भी कहा कि हमने गिरवी रखी अपनी आइंदा नस्लों, हमने आइंदा नस्लों को सिर्फ गिरवी नहीं रखा, जो मेरे पोतों ने और पड़ पोतों ने और पड़ पोतियों ने नवासों और नवासियों ने जो निवाला खाना है हम वो खा चुके हैं, हमने बतौर कौम ये नहीं सोचा कि एक फर्द अगर उसकी आमदन कम हो और खर्चे ज्यादा हो, फर्ज करो उसकी आमदन कम है और खर्चे बहुत ज्यादा, वो अपनी पेट पे पत्थर बांधता, वो कहता है मैं आधी रोटी खाऊंगा, मैं कोई शिविर में नहीं जाऊंगा, मैं कोई ये शरबत ये बोतल कोका कोला की पेप्सी कोला की नहीं लूंगा, वो परहेज भी आ जाता है, एक खानदान को भी अपने को समझाता है कि ये नहीं हो सकता, अब मैं आगे इस तरह नहीं जा सकता, जरा कम खर्च। अब चीन के इंजीनियर कराकोरम हाईवे बनाने आए, वो चीफ इंजीनियर उनके इधर से वापका थे, लोग भी गए कराकोरम हाईवे में कुंजराम पे बॉर्डर पे इनकी मुलाकातें हुई, दो चार दिन रहे, 12,000-13,000 फुट की बुलंदी पे जहां गर्मियों की नुकता है जमून से नीचे रहता है हरारत, फुकड़ रहे चीनियों की चाय आ रही है और हमारे इंजीनियर की चाय आ रही है, चीनियों की चाय कहते हैं आपकी कैसी चाय पी, कहते हम वाइट टी पीते, उन्हें वाइट टी क्या है, वाइट टी पीते, उन्हें कहा वाइट टी क्या है, वो
وہ وائٹ کی پتہ لگا کہ ابلا ہوا پانی, ابلتا پانی لے آتے ہیں یہ چائے آپ. ہمارے دوستوں نے پوچھا تم پتی کیوں نہیں ڈالتے, بولے گا پتی کے لیے تو بڑی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ 1961 کی بات ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایز اے قوم, ہمارے خرچے زیادہ ہو جائیں گے اور آمدن ہماری کم ہوگی, ہم نے خرچوں سے آمدن کو زیادہ رکھا ہے, ہم نے اگلی نسلوں کا سوچا. 1949 میں چین آزاد ہوا, ہمارے سے 2-3-4 سال بعد. اب چین 1961-62 میں وہ کھا کیا رہے ہیں, ایک ڈش الاؤڈ تھی ابلے ہوئے چاول, ساری قوم ابلے ہوئے چاول. میں بیٹھتا ہوں تو میں جب دیکھتا ہوں 4-5 ڈشز پڑی ہیں, ڈونگے پڑے ہیں میرے, اور میں بیچ میں میں کہتا ہوں یہ تو میرا ہے بھائی, مجھے ضروری ہے جان بچانا, یہ میرا اگلی نسلوں کا میں کھا رہا ہوں, یہ چار. ہم ریسٹوراں میں جا کے اس طرح ہم نے یہ شعار ہی ڈالا اپنے میں کہ ہم نے کچھ پیٹ کو کچھ روک کے اور اگلی نسل کا سوچنا ہے, جو اگلی نسل نے کمانا ہے, جو کھانا ہے, جو نوالا منہ میں ڈالنا ہے وہ ہم کھا گئے, اور ہماری اگلی نسلیں یہ جو ہم نے بالکل اگلی نسل جو ہے ہمارے بچوں کی وہ تو ہماری طرح ہی ہوگی, میں سمجھتا ہوں وہ ہماری طرح ہی ہوگی, وہ بھی پرواہ نہیں کرتے, برگر کھا لیا جو مرضی جو دل آیا لے لیا خرید لیا. لیکن ان کی اگلی نسل ان کو احساس ہونا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے, کس چیز کا قرض دے رہے ہیں. وہ جو دادا جان موٹر کار لے کے سارے شہر میں پھرتے تھے شو مارتے, وہ جو کار اس وقت وہ موٹر سائیکل پہ چلے ہوتے تھے تو بہتر تھا, انہوں نے موٹر خرید ہوتی موٹر سائیکل خریدی. میں جاتا ہوں موٹر سائیکل خریدنے, وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں موٹر کے, آپ موٹر سائیکل لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے آپ 20,000 لے کے آئے, ان کا 20,000 میں موٹر, وہ کہتے ہیں 20,000 میں تو فل موٹر سائیکل آپ کو دے دیتے, پر 20,000 میں ہم 1/10 کار دے دیتے ہیں, 7 کار ہی چلی جائے, دے جاؤ ہمارے ساتھ یہ 10% معاہدہ, باقی کریڈٹ ہم دیں گے. وہ شوکت عزیز نے ایسا کریڈٹ اکانومی بنایا کہ انسٹالمنٹ سے ہر چیز بک رہی, اور میں خرید رہا ہوں. میں کیوں خرید رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پرواہ نہیں آئندہ نسلوں کی اور کسی, وہ چینی قوم نہیں ہے کہ ابلا ہوا چاول اور وائٹ ٹی سادہ پانی کی چائے. اور آج چین کہاں پہنچ گیا, آج چین کہاں پہنچ گیا, جب بھی کسی شادی پہ جائیں قانون ایک طرف, قانون تو بنا ہی ہو ہمارے ملک میں اس کو خلاف ورزی کرنے کے لیے, اور میری شو کتاب ہے جب میں دکھاؤں ایک ڈش کے لا کے تحت 35 ڈشیں لگی, پھر میں دکھاتا ہوں سارے مہمانوں کو دے رہی پولیس تھانے آ جائے قابو رکھے. اب یہ چیز ہمیں بدلنی چاہیے, یہ چیز ہمیں ان کو بتانی چاہیے میزبان, میں تو بتاتا ہوں آپ, میں نے کہا میں نے ایک ڈش لی ہے یہ تیری باقی ڈشیں دوست ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں باقی ڈشیں سب فاضل, یہ اگلی نسلوں کی کمائی تم کھا رہے. پر بہت ہی ہم برباد ہو گئے, جشن منایا جا رہا ہے کہ قرضہ مل گیا. وہ میرے والدین کی زمانے میں زندگی میں, میں آپ کو خدا کی قسم کہوں وہ شرمندگی سے بتا بھی نہیں سکتے اگر کسی سے قرضہ لیا. الیکشن میرے دادا بھی لڑتے تھے والد بھی لڑتے تھے, الیکشن پہ کچھ کزن وزن آ جانے بھائی بہنوں نے آ جانا 1,000 روپیہ دے جانا کانٹریبیوٹ کر, وہ ایک ساری فیملی کا ایک پروجیکٹ ہوتا, پر کوئی بتاتا نہیں تھا کہ آسد نے اتنا قرضہ لیا اس الیکشن میں یا اتنا, وہ بتاتا کوئی, شرمندگی ہوتی تھی. آج فائنینس منسٹر بیٹھ کے جشن منا رہا ہے کہ 3 ارب وہاں سے آ گیا ہے, 2 ارب وہاں سے آ گیا ہے, 1 ارب وہاں سے آ گیا ہے, اور یہی تو سارا مرض ہے آپ کا, یہ قرض اکانومی تو سارا مرض ہے, اور اس کو آپ اور
फोर्टिफाई कर। बहरहाल मैं यह करना चाहता हूँ, इसके अलावा यह करना चाहता था कि जो इस वक्त एक इशू बहुत ये फौजी अदालतों का है, साहब ने भी कहा, हमने पिटिशन की भी है, हमारा एक मौकफ मैं आपको सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म में बता, ये फौजी अदालतें पहले एक दफा लगी है पाकिस्तान में 1999 एक ऐसी तारीख थी साल जिसमें लियाकत हुसैन का केस एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और कहा कि फौजी अदालतें मास्वाय जंग की सूरत लग सिविलियन को ट्राई करने के लिए नहीं लग सकती और इसमें उन्होंने कहा कि मास्वाय एक वो दूसरी कैटेगरी कि ऐसा सिविलियन जो फौजियों को रागब कर रहा हो बगावत उस पर फौजी इदारे लग सकती है, उस फौजी पे भी हो सकती है। अब ये कानून था, इसके बाद एक आर्टिकल 10 नहीं आता, मैं उसका जिक्र नहीं करता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लियाकत हुसैन के केस के बाद ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान में फौजी इदारे लगे आईन के तहत। अब पिशावर में जब वो हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला, दहशत गर्दों का, और दहशत गर्दों ने खड़े हो के एक एक बच्चे को 150 तकरीबन बच्चा 7 साल से 12 साल का उनको गोलियां मार के सर में उनको शहीद कर दिया। माएं बाहर दीवार के स्कूल के बाहर टकरे मार रही हैं दीवारों से, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, नहीं तो वो लिपट जाती जाके अपने बच्चों को भी और उनको दहशत गर्दों से भी, पर बहरहाल वो और हौलनाक होता, बड़े ऐसे सीन थे क्यामत के कि सारों में एक तहरीक पैदा हुई कि फौजी इदारे लगाओ इन दहशत गर्दों, ये TTP हो ATP हो ये इन पे लगाओ। अब उसमें लगाने के लिए आईन में तरमीम करनी पड़ी और आईन में आर्मी तरमीम की गई, दो तरमीम एक के बाद दूसरी दो दो साल के लिए, वो आर्मी तरमीम जो थी वो उसने एक जगह बनाई जहाँ फौजी इदारे कानून के बड़े दायरे समझ लें ज्यूरिस्डिक्शन में एक जगह बनाई जहाँ आईन की छतरी हटा ली गई और फौजी अदालतें लगा दी गई। अब आईन में तरमीम, अब जब वो खत्म हो गया उसकी जरूरत ना थी तो आईन की छतरी खुद अपने उसमें था कि 2 साल और 2 साल के लिए खुद वो खत्म हो गया। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि आईन में तरमीम करें पहले, फौजी अदालतें बगैर आईन की तरमीम में के नहीं लग सकती। अब आईन की तरमीम इनसे हो नहीं सकती क्योंकि 228 MLA नहीं, वो इलेक्शन के बाद कोई पार्टी अगर 2/3 मेजोरिटी लेके निकली तो फिर वो आईन में तरमीम कर सकेगी और कोई था फिर वो मैंडेट भी नया होगा, लोगों का मैंडेट होगा तो वो कर सकेगी, ये इस वक्त नहीं लग सकती। और हम ये समझते हैं कि अगर ये इदारती क्यादतों को भी समझाया जाए सही से, मुझे जाके उनको जो वकला दे रहे हैं मशवरे को तो चाहते हैं कि यहाँ से जकड़ लिया जाए अपने मुखालिफ को, पाला भी दरख्ता बंधा हुआ है तो दिता भी दरख्ता बंधा हुआ है तो फिर देख मेरी मैं मशरा किस तरह, वो पाला दिता को हाथ पांव बांध के और फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब ये मेरा क्या ख्याल है, ऐसे अगर किया गया ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो इससे मुल्क को और नुकसान पहुंचेगा। पर आखिर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, वसी शाह का एक शेर है उसमें मैं दूसरी दफा सुनाऊंगा तो उसमें मैं एक तरमीम करूंगा। वसी शाह का शेर है क्योंकि ये हम हर वक्त सोचते रहते हैं, सब सोचते रहते, जबर का मौसम कब बदलेगा, सिंपल छोटा सा शेर है, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेंगे। मैंने जो इसमें तरमीम किया है उसकी इजाजत से, जबर का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलेगा।